और आज वसंत पंचमी है, प्रकृति भी सजी हुई है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। बसंत ही ऋतुराज भी है। बसंत में प्रकृति की छटा निराली होती है। इस वसंत को किसी त्योहार के रूप में मनाने की हमारी परंपरा भी है। आइए दूर में कुछ पल बसंत के रंग में रंग जाएं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बसंत के आगमन पर फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों के फूल मानो सोना चमकने लगता हो, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हो, आमों के पेड़ों पर मांजर आ जाते और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हो, भर भर भंवरे भंवराने लगते हो। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पांचवें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के बाद माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, जिसके साथ ही इस दिन मंदिरों में लोग सुबह से पीले कपड़े पहनकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन हल्दी का टीका लगाया जाता है और नए नए पौधों में जो फूल खिलते हैं उन फूलों को भगवान को चढ़ाया जाता है। पंडित बताते हैं कि बसंत पंचमी का दिन अभुज मुहूर्त के तौर पर भी जाना जाता है, जिसके चलते इस दिन को नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, घर की नींव, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने, व्यापार शुरू करने जैसे नए काम की शुरुआत करना बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी जो होता है ये माघ के महीने में पड़ता है और इस दिन क्या है, हरियाली जो होती है, फूल अच्छे अच्छे फूल उगते हैं इसमें। बसंत पंचमी इसलिए क्या कहते हैं, वातावरण जो है फूलों से महका हुआ रहता है और नए नए फूल खिलते हैं। बसंत ऋतु भी है और माघ का महीना भी है, इसमें क्या गुप्त नवरात्रि भी कहा जा सकता है इसमें। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। वही श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालु भी इस दिन पीले वस्त्र पहनकर मंदिरों में पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सुबह सुबह पीले फूलों और पीली हल्दी से घरों में पूजा की जाती है। घर परिवार में हर कोई पीले कपड़े पहनते हैं और प्रसाद के रूप में हलवा पूरी और मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। साथ ही इस दिन को खास गाने के रूप में भी कलाकार ने गीत सुनाकर पेश किया है। आई पंचमी माओ की बाटी है रियाली जाओ की, आयो मैना चैत को बाटो बात दे मैत को। बसंत पंचमी को सवेरे उठ करके पीले फूलों से और पीली हल्दी वगैरह से पूजा की है। घर में जाएंगे, अब पीले सब कपड़े पहनेंगे और हलवा, हमारे यहाँ हलवा पूड़ी और मीठे चावल भी बनते हैं और वो सब बनाएंगे, उससे भगवान को भोग लगाएंगे। माँ सरस्वती की पूजा होती है। आज बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया है हमने। सुबह उठ के दरवाजे पे जौ और वो सरसों और फूल फल सभी पूजा करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा होती है तो इस दिन पीले कपड़े, पीली मिठाई, पीले चावल मीठे जो होते हैं वो खाने चाहिए और सभी ये खाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। चेत को बाटो बात दे मैत को। बसंत पंचमी के इस त्योहार को देश के साथ ही देहरादून में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन प्रकृति में एक नई बहार से खिल उठती है, चारों ओर सुगंध सी फैलती है। फूल पत्तों के साथ ही इंसान में भी एक नई खुशी और उमंग भर जाती है। लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बसंत की आपको शुभकामनाएं, आपके जीवन में बसंत की सी बहार हो। देहरादून से साक्षी पोखरियाल की रिपोर्ट।